धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजींच्या परमादरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजींचं महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आणि महाराष्ट्रातल्या 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के बाद आप पहली बार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे हैं। पहले जब आए थे तभी भी हम लोग मिले थे, तभी हमारी भी शुरुआत थी। और इस बार राष्ट्रपति हमारे महाराष्ट्र राज्य में आना ये हमारे पूरे महाराष्ट्रवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। महाराष्ट्र की महिलाओं के प्रति एक लंबी परंपरा है और अभी अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप देश की आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहली राष्ट्रपति है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं हमारे इस महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कल आप गोंडवाना यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारंभ आपके उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने महाराष्ट्र दौरे का प्रारंभ करने के लिए आपने गढ़चिरौली जैसे नक्सलवादी और आदिवासी नक्सल प्रभावित क्षेत्र को चुना, यह भी आप अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि आपके दौरे के वजह से वहाँ के स्थानिक लोग जो है उनको भी प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और वहाँ का पुलिस दल है, वहाँ के जो नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने वाले सभी लोग हैं उनको भी एक ऊर्जा मिलने का देने का काम ही हुआ है। और निश्चित रूप से इसीलिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं ये भी बताऊँगा कि मैं भी 2.5 साल जब वहाँ का गार्डियन मिनिस्टर था, खुद मांग कर लिया था जिला, और हमारे अभी उप मुख्यमंत्री भी वहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है, क्योंकि वहाँ की जनता को एक विश्वास दिलाने की आवश्यकता है। वहाँ की जनता, वहाँ का विकास होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी सरकार ने पूरी तरह नक्सलवाद लगभग खत्म करने का काम कर दिया है, वहाँ के लोगों के हाथ को रोजगार देने का काम किया है। और वो जिला भी अन्य जिलों की तरह मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हमारी है, आप इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।